नेक्स्ट एग्जांपल जो है हमारा फॉर्म वैलिडेशन के बाद दैट इज रिलेटेड टू ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब आई एम श्योर आप सब लोगों ने एचटीएमएल स्केसेस पे जब वर्किंग इंप्लीमेंट करी थी तो आपने एक लिस्ट क्रिएट करी थी। बेसिकली हमारे पास में एक स्क्वायर बॉक्स होता है टेक्स्ट बॉक्स की तरह, बस उसमें हमारे पास में एक डाउनवर्ड एरो होता है। डाउनवर्ड एरो पे क्लिक करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास में आ जाते हैं, तो कुछ उस तरीके की लिस्ट हमें यहाँ पे क्रिएट करनी है। पहले हम वर्किंग के इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, मैं उसका एक बार डिजाइन आपको बता देती हूँ, देन वी विल मूव टू द कोड पार्ट। देखिए यहाँ पे जो प्रोग्राम मैंने क्रिएट किया है, सबसे पहले मैंने एक टेक्स्ट यहाँ पे डिस्प्ले करवाया है दैट इज सेलेक्ट इमेज, और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करी है, या फिर इसे आप कॉमन टर्म्स में लिस्ट बॉक्स भी कह सकते हो। इस लिस्ट के अंदर मैंने यहाँ पे कुछ इमेजेस के नेम ऐड किए हैं लाइक सी, ताजमहल, माउंटेन एंड फ्लावर। अब बेसिकली यहाँ पे यूजर जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करेगा, जैसे कि मैंने अभी ताजमहल सिलेक्ट किया है, और वो शो बटन पे क्लिक करेगा, तो जैसे ही हम शो बटन पे क्लिक करेंगे वो इमेज यहाँ पे डिस्प्ले हो जानी चाहिए। तो डिपेंडिंग अपॉन यूजर कौन सी इमेज सिलेक्ट कर रहा है वो इमेज हमें यहाँ पर डिस्प्ले करवानी है लिस्ट में से सिलेक्ट होने के बटन पे क्लिक होने के बाद। तो सबसे पहले तो हम अपनी फॉर्म का डिजाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम स्क्रिप्ट टैग पे चलेंगे। तो सेम एज ऑल द एग्जांपल्स, एचटीएमएल हेड टाइटल एंड बॉडी टैग को मैंने स्टार्ट किया है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक सिंपल टेक्स्ट लिखा है दैट इज सिलेक्ट इमेज फॉलोड बाय अ कोलन। अब जब भी हमें यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है या फिर हमें लिस्ट बॉक्स क्रिएट करना होता है तो उसके लिए हम यहाँ पे काम में लेते हैं सेलेक्ट टैग। तो यहाँ पे सिलेक्ट टैग को मैंने ओपन किया है। अब क्योंकि इस टैग को हमें एक्सेस करना है, कौन सी इमेज सिलेक्ट की गई है ये पता लगाना है, इसके लिए मैंने यहाँ पे आईडी स्पेसिफाई करी है दैट इज एलएसटी इमेजेस। इस आईडी को यूज करके ही हम इस पूरे टैग को, पूरी इंफॉर्मेशन को स्क्रिप्ट टैग के अंदर काम में ले सकते हैं। अब जो ये सिलेक्ट टैग है ये तो सिर्फ क्या करता है, ये स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, एक स्क्वायर बॉक्स क्रिएट करेगा और एक डाउनवर्ड एरो क्रिएट करेगा। लेकिन इस लिस्ट के अंदर मुझे एलिमेंट्स ऐड करवाने हैं, जैसे मैंने कहा इमेजेस के नेम मुझे ऐड करवाने हैं, सी, ताजमहल, माउंटेन एंड फ्लावर। तो लिस्ट में आइटम्स को ऐड करवाने के लिए हम यहाँ पे काम में लेते हैं ऑप्शन टैग, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट के केस में हम li टैग को काम में लेते हैं एलिमेंट्स को ऐड करवाने के लिए। सिमिलरली यहाँ पे सिलेक्ट के साथ में हम काम में लेते हैं ऑप्शन टैग्स, एक एक एलिमेंट लिस्ट में ऐड करवाने के लिए। तो अब यहाँ पे इस ऑप्शन के साथ में दो चीजें यहाँ पे मेंशन है, एक तो है हमारा वैल्यू एट्रीब्यूट और एक है नॉर्मल टेक्स्ट। देखिए जो ये नॉर्मल टेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है, ओपनिंग ऑप्शन टैग और क्लोजिंग ऑप्शन टैग के बीच में, ये वो टेक्स्ट है जो यूजर को लिस्ट के अंदर डिस्प्ले होगा, ये वो नेम्स है जो यूजर सिलेक्ट करेगा। लेकिन इस टेक्स्ट को यूज कर हम वर्किंग इंप्लीमेंट नहीं करवाते हैं, कभी भी किसी टैग में प्रेजेंट वैल्यू को अगर हमें एक्सेस करना होता है तो उसके लिए वैल्यू एट्रीब्यूट को यूज करके ही उसकी इनिशियल स्टार्टिंग वैल्यू सेट करनी पड़ती है। तो बेसिकली यहाँ पे जो मुझे इमेजेस ओपन करवानी है उन इमेजेस के पाथ की मुझे यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। अब मेरा प्रोग्राम और इमेजेस सेम फोल्डर के अंदर है तो मैंने पाथ मेंशन नहीं, लेकिन अलग अलग जगह होता तो यहाँ पे पाथ मेंशन करना पड़ता और वो पाथ कभी भी हम यूजर को विजिबल नहीं करवाते। इसीलिए वैल्यू एट्रीब्यूट के साथ में मैंने यहाँ पे इमेजेस का नेम मेंशन किया है। तो पहला जो मेरा ऑप्शन टैग है उसके साथ में वैल्यू है c.jpg, और जो टेक्स्ट मैंने डिस्प्ले करवाया है यूजर के लिए दैट इज ऑल्सो सी। ऑप्शन टैग क्लोज, सेम गोज फॉर द नेक्स्ट थ्री एलिमेंट्स एज वेल। ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल्स टू taj.jpg, जो यूजर को टेक्स्ट विजिबल होगा दैट इज ताजमहल, एंड फॉलोड बाय ऑप्शन टैग क्लोज। सेम फॉर द नेक्स्ट पार्ट, ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल्स टू mountain.jpg, जो टेक्स्ट डिस्प्ले होगा यूजर को दैट इज माउंटेन, एंड ऑप्शन टैग क्लोज। ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल्स टू flower.jpg, और जो टेक्स्ट डिस्प्ले होगा दैट इज फ्लावर, एंड ऑप्शन टैग क्लोज। बस हमारी लिस्ट क्रिएट हो गई है तो मैंने सिलेक्ट टैग को क्लोज कर दिया है, फॉलोड बाय br टैग। अब यहाँ पे इमेजेस को अगर डिस्प्ले करवाना है तो पहले इमेज टैग को क्रिएट करना पड़ता है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है img टैग इमेज को क्रिएट करने के लिए। अब यहाँ पे इनिशियल इमेज अगर हम डिस्प्ले करवाते हैं तो ठीक है, वरना होता क्या है एक एम्प्टी स्क्वायर बॉक्स आ जाता है, वो एम्प्टी स्क्वायर बॉक्स नहीं आना चाहिए, कोई इमेज डिस्प्ले होती रहनी चाहिए और उसके बाद यूजर कुछ सिलेक्ट करता है तो वो डिस्प्ले करवाते हैं। तो src इज इक्वल्स टू flower.jpg, हाइट 300, विड्थ 300। अब क्योंकि इस इमेज में ही मुझे चेंजेस इम्प्लीमेंट करने हैं तो मैंने इसकी भी आईडी स्पेसिफाई करी है दैट इज img।
अगेन फॉलोड बाय br टैग। अब जितनी भी वर्किंग इंप्लीमेंट करवानी है वो वर्किंग हम करवाने वाले हैं br टैग बटन के क्लिक पे। जस्ट अ सेकंड गाइस, एज आई वाज सेइंग कि जितनी भी वर्किंग हमें यहाँ पे एग्जीक्यूट करवानी है वो है बटन के क्लिक पे। तो यहाँ पे बटन को क्रिएट करने के लिए इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू बटन, वैल्यू इज इक्वल्स टू शो, एंड ऑन क्लिक यानी कि बटन के क्लिक पे मैंने शो क्लिक नाम के फंक्शन को कॉल करवाया। तो ये तो है हमारे डॉक्यूमेंट का डिजाइन, वो स्ट्रक्चर जो हमें डिस्प्ले करवाना है। अब यहाँ पे बटन के क्लिक पे जो फंक्शन मेरा कॉल है वो मैंने स्क्रिप्ट टैग के अंदर मेंशन किया है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी प्रीडिफाइंड चीजें आ रही है फंक्शन के अंदर, तो एक एक स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना कि कैसे काम हो रहा है। फंक्शन को क्रिएट करने के लिए फंक्शन कीवर्ड फॉलोड बाय फंक्शन का नाम दैट इज शो क्लिक। अब यहाँ पर देखिए जैसे मैंने कहा यूजर जो इमेज सेलेक्ट करेगा मुझे उस इमेज को डिस्प्ले करवाना है। अब वो इमेजेस एक्चुअली में है कहाँ, जो हमने सेलेक्ट टैग क्रिएट किया है उसके अंदर। अब किसी भी टैग को अगर स्क्रिप्ट टैग में से एक्सेस करना हो, HTML के टैग को स्क्रिप्ट टैग में से एक्सेस करना हो तो हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी को काम में लेते हैं। तो मैंने वही चीज यहाँ पे इम्प्लीमेंट करी है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी की हेल्प से मैंने आईडी मेंशन करी है दैट इज LST images। अब जिस भी टैग का आईडी LST images होगा उसका रेफरेंस मैंने ए नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया है। जैसे कि लास्ट वाले एग्जाम्पल्स के अंदर मैंने टेक्स्ट बॉक्सेस का रेफरेंस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया था और फिर उनका फॉरग्राउंड कलर चेंज करवाया था, तो एग्जैक्टली में किसी भी टैग का रेफरेंस हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट टैग का रेफरेंस एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया है। अब इस सेलेक्ट टैग में से कौन सा एलिमेंट सेलेक्ट किया गया है, जो एलिमेंट यूजर सेलेक्ट करेगा मुझे वही एलिमेंट डिस्प्ले करवाना है, वही इमेज डिस्प्ले करवानी है। अब जिस तरीके से हम लोग एरे पे वर्किंग इम्प्लीमेंट करते हैं या स्ट्रिंग पे वर्किंग इम्प्लीमेंट करते हैं, वर्किंग इम्प्लीमेंट करने का मतलब इंडेक्सिंग से है। जब भी हम एरे क्रिएट करते हैं तो 0 से लेकर लेंथ माइनस 1 तक का हमारे पास में इंडेक्सेस होते हैं, सेम गोज फॉर द स्ट्रिंग एज वेल। तो जिस तरीके से एरे और स्ट्रिंग के अंदर इंडेक्सिंग होती है उसी तरीके से इस सेलेक्ट टैग के अंदर भी हमारे पास में इंडेक्सिंग होती है। जितने भी ऑप्शन टैग्स हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं ये 0 से लेके 1, 2, 3 जितने भी ऑप्शन टैग्स है उसी तरीके के इंडेक्सिंग के फॉर्म में ये हमारे पास में अवेलेबल होंगे। तो मुझे ये पता लगाना है कि यूजर ने कौन सा इंडेक्स सेलेक्ट किया, जो इंडेक्स सेलेक्ट किया गया होगा उस इमेज को डिस्प्ले करवाना है। तो लिस्ट में से कौन सा इंडेक्स सेलेक्ट किया गया है उसको पता लगाने के लिए हमारे पास में एक प्री डिफाइंड प्रॉपर्टी अवेलेबल है जो कहलाती है सिलेक्टेड इंडेक्स। अब सिलेक्टेड इंडेक्स में जो इंडेक्स का आई है वो कैपिटल है, बाकी सब कुछ स्मॉल है। अब ये जो प्रॉपर्टी है ये क्योंकि हमें लिस्ट के साथ में काम में लेनी है और लिस्ट है हमारे पास में ए नाम के वेरिएबल के अंदर, तो हम सिंपली लिख सकते हैं ए डॉट सिलेक्टेड इंडेक्स। अब यूजर ने जो भी इंडेक्स सिलेक्ट किया होगा 0, 1, 2, 3, 4 डिपेंडिंग अपॉन हमारी लिस्ट कितनी बड़ी है, वो पोजिशन मैंने इंडेक्स नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा ली। ठीक है, तो मैंने लिस्ट को एक्सेस किया है और कौन सा इंडेक्स सेलेक्ट किया गया है ये मैंने पता लगा लिया। अब मुझे करना क्या है, जो इंडेक्स यूजर ने सेलेक्ट किया है मुझे उस पे जो इमेज प्रेजेंट है उसको डिस्प्ले करवाना है। लेकिन यहाँ पे इंडेक्सिंग तो तभी काम करेगी ना जब हमने एरे क्रिएट किया हो गया होगा। हम ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं, मान लीजिए मैंने लिखा num इज इक्वल्स टू 10 और मैं यहाँ पे num i करके प्रिंट करवाना चाहूँ तो क्या वो हो सकता है, क्या नहीं हो सकता ना। num एक सिंपल वेरिएबल है, सिंपल वेरिएबल पे तो हम इंडेक्सिंग इंप्लीमेंट कर ही नहीं सकते। एरे होना चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए या ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तभी तो लूपिंग इंप्लीमेंट हो सकती है, तभी तो इंडेक्सिंग वहां पे इंप्लीमेंट हो सकती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले इस लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का एक एरे क्रिएट करना पड़ेगा
और एरे की इंडेक्सिंग की हेल्प से फिर हम इमेज को डिस्प्ले करवाएंगे। तो कभी भी लिस्ट के एलिमेंट्स का, मतलब जितने भी ऑप्शन टैग्स है, अगर हमें उनका एरे क्रिएट करना हो तो उसके लिए हमारे पास में ऑप्शंस एक प्री डिफाइंड प्रॉपर्टी होती है जो अवेलेबल है। तो यहाँ पे किसका एरे बनाना है, लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उनका एरे बनाना है। तो लिस्ट का रेफरेंस है ए वेरिएबल के अंदर, ए डॉट ऑप्शंस मतलब जितने भी ऑप्शन टैग है उन सबका एरे बन गया। अब इस एरे में से यूजर ने जो भी इंडेक्स सेलेक्ट किया गया है वो डेटा डिस्प्ले करवाना है। तो एरे में कौन सा एलिमेंट सेलेक्ट किया गया है या इंडेक्सिंग की अगर हम बात करते हैं तो एरे ऑफ आई लिखते हैं, एरे ऑफ जीरो, एरे ऑफ वन। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम सेम प्रोसेस इम्प्लीमेंट करेंगे। जो इंडेक्स यूजर ने सेलेक्ट किया है वो है इंडेक्स नाम के वेरिएबल के अंदर, तो एरे का नाम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैंने लिख दिया है यहाँ पे मेरे इंडेक्स वेरिएबल का नाम। तो ऑप्शंस एरे में से यूजर ने जो भी एलिमेंट सेलेक्ट किया गया है डिपेंडिंग अपॉन इंडेक्स वो हमने एक्सेस कर लिया। अभी मैं करना क्या है, जो भी इंडेक्स सेलेक्ट किया गया है उसकी इमेज को डिस्प्ले करवाना है, और इमेज का पाथ कहाँ पे है, वैल्यू प्रॉपर्टी। तो ए डॉट ऑप्शंस ऑफ इंडेक्स डॉट वैल्यू, जो भी एलिमेंट सिलेक्टेड होगा उसका कंप्लीट पाथ मैंने नेम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया। तो बेसिकली जो इमेज सेलेक्ट की है यूजर ने उसका कंप्लीट पाथ मैंने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया है। अब सिंपली करना क्या है, इमेज टैग को एक्सेस करना है और वहां पे src हमें सेट करना है। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी img डॉट src इज इक्वल्स टू नेम। तो यहाँ पे जो इमेज है वो हमारी डिस्प्ले होने लग जाए। अब ये जो 4 lines ऑफ कोड था ये तो था इमेज को डिस्प्ले करवाने के, मुझे यहाँ पे एक और वर्किंग इम्प्लीमेंट करनी है, और वो वर्किंग ये है कि मुझे यहाँ पे डॉक्यूमेंट का टाइटल भी चेंज करना है। ठीक है, जब भी हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट का टाइटल मेंशन करते हैं तो टाइटल टैग के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ होता है वो हमारे डॉक्यूमेंट के टाइटल के तौर पे आ जाता है। तो अगर हम यहाँ पे टाइटल मेंशन करते हैं तो ठीक, लेकिन अगर मैंने कोई भी टाइटल मेंशन नहीं किया होता है, जैसे कि मैंने इस एग्जांपल में मेंशन नहीं किया है, तो हमने अपनी फाइल को जिस नाम से सेव किया होता है वो नेम एज अ टाइटल आने लग जाता है। अब यहाँ पर मुझे जो वर्किंग इम्प्लीमेंट करवानी है वो ये है कि यूजर ने जो एलिमेंट सेलेक्ट किया गया है वो नाम डिस्प्ले करवा दो एज अ टाइटल। मतलब अगर यूजर माउंटेन सेलेक्ट करता है तो माउंटेन डॉट जेपीजी इमेज को डिस्प्ले करवाना है और डॉक्यूमेंट के टाइटल को भी माउंटेन सेट कर देना है। तो अब हमें कैसे पता लगेगा कौन सा एलिमेंट सिलेक्टेड है, अभी हमने पता लगाया सिलेक्टेड इंडेक्स प्रॉपर्टी की हेल्प से। तो यहाँ पे सेम वही कंसेप्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ जो मैंने पहले वाले स्टेटमेंट से अप्लाई किया है, ए डॉट ऑप्शंस ऑफ इंडेक्स। तो यहाँ पे हमारी जो लिस्ट है उसमें जो एरे क्रिएट होगा और एरे में से जो एलिमेंट सिलेक्ट यूजर ने किया है उसका टेक्स्ट मुझे गेट करना है। मैं अगर वैल्यू प्रॉपर्टी को यूज करके वर्किंग इम्प्लीमेंट करूंगी या मैं नेम वेरिएबल को यूज करके वर्किंग इम्प्लीमेंट करूंगी तो होगा क्या, डॉक्यूमेंट के टाइटल पर पूरा इमेज का नाम, पूरा इमेज का पाथ शो होने लग जाएगा। जैसे कि माउंटेन डॉट जेपीजे मैं पूरा पाथ लिखती हूँ, सी ड्राइव में कौन से फोल्डर में है, एबीसी फोल्डर के अंदर, इमेजेस फोल्डर के अंदर हमारी फाइल, तो वो पूरा पाथ आ जाता है। पूरा पाथ नहीं चाहिए, सिर्फ नाम चाहिए, वो नाम जो यूजर को डिस्प्ले हो रहा है, यानी कि जो टेक्स्ट हर एक ऑप्शन के साथ में मैंने एसोसिएट करवाया है। तो यहाँ पे ऑप्शन टैग के साथ में जो टेक्स्ट मैंने एसोसिएट करवाया है वो है ओपनिंग ऑप्शन और क्लोजिंग ऑप्शन टैग के बीच में, जैसे कि यहाँ पे फ्लावर है, यहाँ पे माउंटेन है एंड फॉलोड बाय ताजमहल एंड सी एज वेल। तो लिस्ट के एलिमेंट्स का अगर टेक्स्ट हमें फेच करना होता है तो उसके लिए टेक्स्ट प्रॉपर्टी को काम में लेते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट का हमने एक एरे क्रिएट किया, यूजर ने जो भी इंडेक्स सेलेक्ट किया गया है उस इंडेक्स पे जो भी टेक्स्ट एसोसिएटेड है वो मैंने img नेम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया। और फिर यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल इज इक्वल्स टू img नेम। डॉक्यूमेंट पे कुछ भी वर्किंग इम्प्लीमेंट करवानी है तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारे मेथड्स है, तो टाइटल हमारे पास में एक प्रॉपर्टी होती है जिसको यूज करके हम अपने टाइटल का नेम चेंज कर सकते हैं। अब नेम क्या होगा, जो यूजर ने इमेज सेलेक्ट करी है और वो है img नेम नाम के वेरिएबल के अंदर, डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल इज इक्वल्स टू img नेम। कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो वर्किंग है वो हो रही है। अब एक बार हम इसका एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। जस्ट अ सेकंड गाइस, सिस्टम आज थोड़ा सा स्लो वर्क कर रहा है।
आई होप सबको स्क्रीन विजिबल है. देखिए पेज को मैं यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर लेती हूँ ताकि एग्जीक्यूशन हमारा सही तरीके से और आपको समझ में आ जाए. देखिए जब हम पेज को यहाँ पे लोड करेंगे तो जिस सीक्वेंस पे हमने इमेजेस के नेम मेंशन किए हैं वही सीक्वेंस हमारे पास में आएगा ऑप्शन टैग के अंदर. बाय डिफॉल्ट मैंने यहाँ पे फ्लावर इमेज को डिस्प्ले करवाया है. अब यहाँ पर जैसे ही मैं कोई ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगी आरो बटन पे क्लिक करके आप किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो. तो मैंने यहाँ पे अभी ताजमहल सेलेक्ट किया है. जैसे ही मैं शो बटन पे क्लिक करूंगी तो जो इमेज है वो इस इमेज टैग पे डिस्प्ले होने लग जाएगी. कोई और अगर इमेज हम सेलेक्ट करते हैं, सपोज मैंने फ्लावर सेलेक्ट किया है और मैं शो बटन पे क्लिक करूंगी तो वो इमेज यहाँ पे डिस्प्ले होने लग जाएगी. लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पे यूजर ने कोई से भी इमेज को सिलेक्ट ही नहीं किया और वो शो बटन पे क्लिक कर दी तो क्या हमारे प्रोग्राम के अंदर एरर आएगी? नहीं, ऐसा नहीं होता है. देखिए लिस्ट के साथ में थोड़ी सी वर्किंग है वो थोड़ी अलग हो जाती है. अगर यहाँ पे यूजर लिस्ट के अंदर किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट नहीं करता है, उसने इस लिस्ट को सिलेक्ट टैग को एक्सेस ही नहीं किया, तो होता क्या है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो जाती है. तो बिना लिस्ट में किसी एलिमेंट को सेलेक्ट किए अगर मैं शो बटन पे क्लिक करूंगी तो जीरो इंडेक्स पे जो भी डेटा होगा वो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्किंग इम्प्लीमेंट हो जाएगी. तो मैंने शो बटन पे क्लिक किया है, एलिमेंट सेलेक्ट नहीं किया है और देखिए यहाँ पे सी इमेज जो है वो डिस्प्ले होने लग गई. तो अगर आप एलिमेंट सेलेक्ट करते हो तो उसके अकॉर्डिंग काम होगा. कोई भी एलिमेंट आपने सेलेक्ट नहीं किया है तो फिर जीरो इंडेक्स वाला काम हो जाएगा. ये तो थी हमारी इमेज की वर्किंग. अब जैसे कि मैंने कहा मुझे यहाँ पे इमेज का जो टाइटल है वो चेंज करना है. जैसे जैसे यूजर एलिमेंट को सिलेक्ट करके बटन पे क्लिक करेगा डॉक्यूमेंट का टाइटल भी चेंज होना चाहिए. तो देखिए मैंने यहाँ पे अभी सी को डिस्प्ले करवाया है तो डॉक्यूमेंट का जो टाइटल है वहाँ पे सी आके डिस्प्ले हो रहा है. अगर मैं यहाँ पे कोई और इमेज सेलेक्ट कर लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे माउंटेन सेलेक्ट किया है और मैंने शो बटन पे क्लिक किया है, तो देखिए यहाँ पे इमेज हमारी चेंज हो गई है और डॉक्यूमेंट का जो टाइटल है वो भी चेंज हो गया है. तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे वर्किंग इम्प्लीमेंट कर सकते हो. लिस्ट में से एलिमेंट को सिलेक्ट करके आप वर्किंग इम्प्लीमेंट करवा सकते हो. अब इस एग्जाम्पल में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन किसी भी पार्ट के अंदर? ना, देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास में एग्जाम्पल है सेम एग्जाम्पल है तो मैं दोबारा से इस एग्जाम्पल को क्रिएट करके यहाँ पे वर्किंग इम्प्लीमेंट करके आपको नहीं बता रही हूँ. मैं इसी सेम एग्जाम्पल में चेंजेस इम्प्लीमेंट करके बता रही हूँ. लेकिन जो डॉक्यूमेंट है मैंने उसमें दोनों एग्जाम्पल अलग अलग मेंशन कर दिए हैं. अब वर्किंग क्या है, देखिए अभी हमने जितनी भी वर्किंग इम्प्लीमेंट करवाई वो हमने बटन के क्लिक पे इम्प्लीमेंट करवाई. अब सिमिलर टाइप की ही वर्किंग हम लोगों ने वीडियो बटन और चेक बटन के साथ में इम्प्लीमेंट करी थी. बटन के क्लिक पे कुछ वर्किंग इम्प्लीमेंट करवाना, फिर रेडियो बटन के क्लिक पे कुछ काम करवाना, फिर चेक बटन के साथ में भी सेम वर्किंग था, बटन के क्लिक पे कुछ काम करवाना और फिर चेक बटन के क्लिक होने पे कुछ काम करवाना. अब यहाँ पर भी अगर हमें एग्जैक्टली में सेम वर्किंग इम्प्लीमेंट करवानी हो, मुझे बटन को काम में नहीं लेना, जैसे जैसे यहाँ पे यूजर एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहा है वैसे वैसे यहाँ पे चेंजेस इम्प्लीमेंट होते रहे, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम सेलेक्ट टैग पे क्लिक नहीं कर रहे हैं. जैसे जैसे एलिमेंट्स चेंज हो रहे हैं हमें वैसे वैसे वर्किंग इम्प्लीमेंट करवानी है. थोड़ा
उसके लिए जो इवेंट यहाँ पे हमारे पास में काम आता है वो कहलाता है ऑन चेंज इवेंट। अब ऑन चेंज इवेंट मतलब एलिमेंट्स चेंज होते रहेंगे और जैसे जैसे एलिमेंट्स चेंज होंगे वैसे वैसे वर्किंग इम्प्लीमेंट करवानी है। अब ये जो एलिमेंट्स हैं ये किस पे चेंज हो रहे हैं, लिस्ट के साथ में चेंज हो रहे हैं। तो ये जो ऑन चेंज इवेंट है ये हम सेलेक्ट जो टैग है हमारा उसके साथ में ही काम में लेंगे। तो हमें सिर्फ हमारा इवेंट का नाम लिखना है, दैट इज ऑन चेंज, और इज इक्वल्स टू हमें यहाँ पे हमारे फंक्शन का नाम लिख देना है जो कि है शो क्लिप। देखिए सेम सेलेक्ट के साथ में पहले तो मेरा आईडी है, फिर ऑन चेंज इवेंट, देन शो क्लिक फंक्शन। तो अब यहाँ पे बटन के क्लिक पे वर्किंग इम्प्लीमेंट नहीं होगी, जो भी वर्किंग हम करवाएंगे वो होगा जैसे जैसे हम एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर रहे हैं वैसे वैसे। तो पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि हमारा जो भी स्ट्रक्चर है वो प्रॉपरली लोड हो जाए। देखिए अब यहाँ पे सिर्फ लिस्ट आ रही है हमारे पास में और इमेज आ रही है। अब यहाँ पे मैं जैसे ही एलिमेंट को सेलेक्ट करूंगी वैसे ही इमेज चेंज हो जानी चाहिए। तो सिंपली डाउनवर्ड एरो पे हमें क्लिक करना है और एलिमेंट को सेलेक्ट करवाना है। मैं यहाँ पे माउंटेन को सिलेक्ट कर रही हूँ, तो जैसे ही मैंने एलिमेंट सिलेक्ट किया वैसे ही इमेज यहाँ पे हमारे पास में आ गई। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरा एलिमेंट सिलेक्ट करूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने ताजमहल सिलेक्ट किया है, तो ताजमहल इमेज यहाँ पे अब हमारे पास में आ गई। तो एलिमेंट के सिलेक्ट होने पे अगर हमें कुछ काम करवाना हो तो उसके लिए हम ऑन चेंज इवेंट को काम में लेते हैं, और अगर आपको बटन के क्लिक पे कुछ काम करवाना है तो ऑन क्लिक तो हमारे पास में है। अब मैंने एक ही एग्जाम्पल के अंदर दोनों वर्किंग आपको एक्सप्लेन कर दी है इसकी, लेकिन डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने दो अलग एग्जाम्पल्स लिखे, तो एक बार दोनों एग्जाम्पल्स को आप ट्राई करके देखना, कुछ भी प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट सेशन। लेकिन अभी कुछ प्रॉब्लम है तो फिर आप पूछ सकते हैं। सबको सारी चीजें क्लियर हैं? नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है हमारा वो है विंडो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। अब मैंने आपको हमेशा से कहा है कि जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे वर्किंग इम्प्लीमेंट करने के लिए अलग अलग तरीके के प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हमारे पास में अवेलेबल है, और उन ऑब्जेक्ट्स में बहुत सारे मेथड्स और प्रॉपर्टीज अवेलेबल है। अब विंडो ऑब्जेक्ट का बेसिक डिस्क्रिप्शन मैंने आपको तब बताया था जब हमने स्विच केस के साथ में विंडो डॉट लोकेशन को काम में लिया था, हमने इमेजेस के पाथ मेंशन किया था और फिर उन इमेजेस को ओपन करवाया। तो यहाँ पर हुआ क्या है, हमने विंडो से रिलेटेड वर्किंग इम्प्लीमेंट करी। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने गूगल क्रोम ओपन किया है, राइट, जस्ट अ सेकंड, वेट फॉर अ फ्यू सेकंड्स, ओपन हो जाएगा अभी। देखिए यहाँ पे जो हमारे ब्राउजर्स होते हैं उन ब्राउजर्स में जो भी हमने वर्किंग इम्प्लीमेंट करवाई, ये जो व्हाइट एरिया होता है ये तो कहलाता है हमारा डॉक्यूमेंट, लेकिन कौन सी टैब हमारी ओपन हो रही है। लाइक मैंने अभी यहाँ पे तीन टैब्स को ओपन किया हुआ है, अगर इन तीन टैब्स में जो क्रॉस बटन है मैं उस क्रॉस बटन पे क्लिक कर दूंगी तो होगा क्या, मेरी टैब जो है वो क्लोज हो जाएगी। लेकिन एंड में यहाँ पे एक प्लस का सिंबल भी है, अगर मैं इस प्लस पे क्लिक करूंगी तो एक नई टैब ओपन हो जाएगी। तो ये जो हम न्यू टैब या हमारी करंट टैब के हम रेफर कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग के टर्म्स में हम इसे रेफर करते हैं विंडो के तौर। तो यहाँ पे ये हमारी विंडो कहलाएगी, ये करंट विंडो है जिसपे डॉक्यूमेंट डिस्प्ले हो रहा है, और प्लस पे क्लिक करने पर एक नई विंडो आ जाएगी। अब हमें बैक जाना है, मतलब हमें प्रीवियस पेज पे जाना है या आगे पेज पे जाना है, करंट पेज को लोड करना है, हमें पाथ स्पेसिफाई करना है। इस तरीके की जितनी भी वर्किंग होती है ये होती है हमारे विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर। अब यहाँ पर जब मैंने स्विच केस के साथ में वर्किंग इम्प्लीमेंट करवाई थी तो हुआ क्या था, मैंने यूजर से एक नाम का इनपुट किया, यूजर ने जो भी नेम इनपुट किया है मैंने उस इमेज को ओपन करवा दिया। अब यहाँ पे जब हम इमेज को ओपन करवा रहे थे तो हो क्या रहा था, हमारा जो ओरिजिनल प्रोग्राम है वो लॉस हो रहा था,
और उसी जगह पर हमारी जो इमेज है वो डिस्प्ले हो रही है। बैक जाने का कोई ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल नहीं, तो उसका सोल्यूशन जो है वो हम हमारे पास में आ रहा है। तो विंडो ऑब्जेक्ट क्या है, आई होप सबको क्लियर हो गया क्या क्या वर्किंग हम कर सकते हैं। प्रोग्राम बहुत ही सिंपल सा है, मैंने यहाँ पर HTML head title and body tag को स्टार्ट कर दिया है और एक बटन क्रिएट किया है। इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू बटन, वैल्यू इज इक्वल्स टू ओपन एंड ऑन क्लिक इज इक्वल्स टू ओपन विंडो। तो ओपन बटन के क्लिक पे मैंने ओपन विंडो नाम के एक फंक्शन को कॉल करवाया है। अब मैंने स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट किया है और फंक्शन है मेरा ओपन विंडो, और इस फंक्शन के अंदर मैंने सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखा है, दैट इज विंडो डॉट ओपन। विंडो हमारे पास में एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के किसी भी मेथड और प्रॉपर्टी को काम में लेना पड़ता है तो डॉट लिखते हैं और फिर मेथड और प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है ओपन मेथड। अब यहाँ पे होगा क्या, जो बटन मैंने क्रिएट किया है उस बटन के क्लिक पर एक नई टैब, एक नई विंडो हमारे पास में ओपन हो जाएगी। तो स्विच केस के साथ में जो हमारे पास में प्रॉब्लम आ रहा था कि हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो लॉस हो रहा था और हमारी इमेज जो है वो वहीं पे डिस्प्ले हो रही थी, तो यहाँ पे हम बैक जाने का कोई भी ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल नहीं, तो हम क्या करवा सकते हैं, अब हम यहाँ पे इस विंडो डॉट ओपन की हेल्प से एक नई विंडो को ओपन करवा सकते हैं और उस नई विंडो पर सारे कंटेंट्स को डिस्प्ले करवा सकते हैं। कैसे कंटेंट्स को डिस्प्ले करवाते हैं ये हम आगे आने वाले एग्जाम्पल्स में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए मैंने सिर्फ इस करंट विंडो से नई विंडो को कैसे ओपन कर सकते हैं इसका एग्जाम्पल कवर किया है। तो एक बार हम पहले इसका एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। विंडो डॉट एच टी एम एल यहाँ पे मेरा जो प्रोग्राम है वो लोड हो रहा है, तो अभी हमारे पास में एक बटन डिस्प्ले होगा ओपन नाम का। वेट फॉर अ फ्यू सेकंड गाइस, दोबारा सिस्टम जो है वो हैंग हो गया है। देखिए यहाँ पे हमारे पास में एक बटन आ गया है, दैट इज ओपन बटन। अब इस ओपन बटन के क्लिक पे मैंने एक फंक्शन को कॉल करवाया है, दैट इज ओपन विंडो। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी हमारे पास में एक नई विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। देखिए यहाँ पे अनटाइटल हमारे पास में डिस्प्ले होने लग गया, तो जैसे ही मैंने बटन पे क्लिक किया वैसे ही मेरे पास में एक नई विंडो आ गई। अब यहाँ पे मेरे पास में बैक जाने का ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन मेरे पास में विंडोज में स्विच करने का ऑप्शन है। अगर मैं दोबारा से इस ओपन बटन पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास में फिर से एक और नई टैब ओपन हो जाएगी। अब इस नई टैब पर अगर हमें कुछ कंटेंट डिस्प्ले करवाने हैं तो वो हम करवा सकते हैं, जैसे कि हमने इमेज को डिस्प्ले करवाया था वो इमेज हम इस नई विंडो पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो हमारे पास में इमेज भी डिस्प्ले हो जाएगी और जो हमारा ओरिजिनल प्रोग्राम है, जो हमारी ओरिजिनल विंडो है, वो भी एज इट इज हमारे पास में प्रिजर्व्ड रही। तो कुछ इस तरीके की वर्किंग हमें इंप्लीमेंट करनी हो कि लिंक हमारे पास में अवेलेबल है, लिंक पे क्लिक किया तो ओरिजिनल प्रोग्राम लॉस हो रहा है और सिर्फ वो लिंक का कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है, तो उन सारी चीजों को हम अवॉइड कर सकते हैं। हमारा ओरिजिनल विंडो भी एग्जिस्ट करेगा और जो हमने चीजें डिस्प्ले करवाई हैं वो भी एग्जिस्ट करेगी। तो कुछ इस तरीके से विंडो डॉट ओपन को हम काम में ले सकते हैं। अब इस विंडो डॉट ओपन के अलावा भी हमारे पास में मेथड्स हैं और इस ओपन के कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं, लेकिन वो हम आगे आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे। अभी मैंने जो बताया है उसमें किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है देन यू कैन आस्क। आज के लिए हम इतने ही एग्जांपल्स कवर करेंगे।